दोस्तों याद है पहले की फिल्मों में जब हीरो और हीरोइन को किस करते हुए दिखाना होता था तो उनके बीच में एक फूल या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया जाता था। उस दौरान लिप टू लिप किस करना तो बहुत बड़ी बात हुआ करते थे। हालांकि समय में बदलाव के चलते अब ये किसिंग सीन्स बेहद आम हो गए हैं। कई एक्ट्रेसेस फिल्मों में इन्हें करने से जरा भी परहेज नहीं करते हैं। कुछ एक्ट्रेसेस ये सीन्स फिल्म की स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से करते हैं तो कुछ बॉलीवुड में जल्दी फेमस होने के लिए बोल्ड सीन्स का सहारा लेते हैं। ऐसे में आज हम आपको फिल्मों में सबसे ज्यादा बोल्ड सीन्स देने वाली ए लिस्ट एक्ट्रेसेस के नाम बताने जा रहे हैं, इसलिए इन बोल्ड एक्ट्रेसेस के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, राधिका आप्टे। दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे अपनी दमदार एक्टिंग और बोल्ड सीन्स देने के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में अनुराग कश्यप ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसमें राधिका ने कई न्यूड सीन्स दिए थे। हालांकि कुछ वक्त बाद उनके ये न्यूड सीन्स लीक हो गए थे जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था, लेकिन राधिका ने बहुत ही सेंसिबली इस मामले को हैंडल किया। इसके साथ ही राधिका ने फिल्म पास्ट में भी कई बोल्ड सीन्स दिए थे। वो अपनी ज्यादातर फिल्मों में इस तरह के सीन्स देती ही देखी जाते हैं जिसके चलते आज उनकी छवि एक बोल्ड एक्टर के रूप में जानी जाती है। नंबर टू, विदिता बाग। दोस्तों विदिता बाग ने फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ जमकर इंटीमेट सीन्स दिए थे, जिसके बाद विदिता के कई बोल्ड सीन्स इंटरनेट पे जम के वायरल हुए थे, जिन्हें देखने के बाद लोगों के बीच उन्हें एक अच्छी खासी पहचान मिली थी। कई पैसे वाली हस्तियों ने तो उन्हें वन नाइट स्टैंड के लिए मुंह मांगे पैसे देने की भी बात कह दी थी। विदिता ने इस फिल्म में जिस तरह के सीन्स दिए थे उनसे बॉलीवुड के गलियारों में सनसनी मच गई थी। तब से लेकर अभी तक उनके पास ऐसी कई फिल्मों के ऑफर्स आ चुके हैं। नंबर थ्री, रसिका दुगल। दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आई अपराध और बोल्ड सीन्स से भरी वेब सीरीज मिर्जापुर में कालीन भैया की बीवी यानी कि रसिका दुग्गल ने इस वेब सीरीज में जमकर हॉट सीन्स दिए थे। इस किरदार में सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें अपनी सेक्स को लेकर डिजायर पता थे और वो इसे पूरा भी करते थे, फिर वो चाहे कालीन भैया हो, मुन्ना त्रिपाठी या फिर बाऊजी। ये सीन्स देने के बाद रसिका सुर्खियों में आ गई थी जिसके चलते आज उनका नाम बॉलीवुड के बोल्ड एक्ट्रेसेस में गिना जाता है। नंबर फोर, नंदना सेन। दोस्तों आपत्तिजनक सीन्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले नाम आता है नंदना सेन का, जिन्होंने फिल्म रंगरसिया में मुख्य किरदार निभाया था जिसमें उनके ऑपोजिट रणदीप हुड्डा थे। दरअसल उस फिल्म में नंदना के किरदार का नाम कामिनी था जो कि एक नौकरानी थी, और रणदीप अपनी नौकरानी की पेंटिंग बनाते बनाते उस पर फिदा हो जाते हैं और फिर दोनों में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। दोस्तों फिल्म में ये सीन्स इतने बोल्ड थे कि इंटरनेट पे आते ही वायरल हो गए और नंदना इन सीन्स को लेकर काफी सुर्खियों में आ गए थे। फिर क्या लोगों ने उन्हें एक बोल्ड एक्ट्रेस का दर्जा दे दिया जो किसी इंटीमेट सीन को देने से जरा भी नहीं कतराते हैं। नंबर फाइव, राजश्री देशपांडे। दोस्तों सीक्रेट गेम्स सीरीज ने नेटफ्लिक्स पे आते ही तहलका मचा दिया था। एक वक्त था कि हर जुबान पर बस सीक्रेट गेम्स, नवाजुद्दीन और राजश्री देशपांडे का ही नाम था। राजश्री ने इस सीरीज में बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी थे, लेकिन इसके बाद वो मुश्किलों में भी फंस गई। दरअसल राजश्री ने नवाजुद्दीन के साथ कई बोल्ड सीन्स दिए जिसके बाद उन्हें कई लोग अश्लील मैसेजेस करने लगे। सिर्फ यही नहीं, राजश्री देशपांडे को लोगों ने अडल्ट स्टार तक कह डाला। नंबर सिक्स, सनी लियोन। दोस्तों आपको बता दें कि सनी लियोन के नाम से मशहूर करणजीत कौर वोहरा अब बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, लेकिन इससे पहले वो एक मॉडल थी और साथ ही उन्होंने 18 प्लस फिल्मों में भी काम किया था। 18 प्लस से आप हमारा इशारा समझ ही गए होंगे। इसके अलावा उनके पास अमेरिकी नागरिकता भी है। उनका जन्म कनाडा में हुआ था और उन्होंने डैनियल वेबर से शादी की है। इसके अलावा उन्हें बॉलीवुड की उन हस्तियों में गिना जाता है जिनका जन्म भारत में तो नहीं हुआ लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इनकी पहली फिल्म जिस्म 2 थे जिसमें इन्होंने एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन्स दिए थे। इसके अलावा ये जिस भी मूवी में देखे वहां इन्होंने अपने बोल्ड सीन्स से आग लगा दी। आज के समय में ये बॉलीवुड की टॉप बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। नंबर सेवन, मल्लिका शेरावत। दोस्तों आपको बता दें मल्लिका शेरावत ने अपनी फिल्म ख्वाहिश से पॉपुलैरिटी पाई थी जिसमें उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 17 किस किए थे, जिसके बाद उनके मर्डर सहित कई अन्य फिल्में आईं। लेकिन मल्लिका खुद को खड़ा नहीं कर पाई। आज उन्हें अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करते हुए देखा जा सकता है और करंटली वो एक फिरंगी को डेट भी कर रहे हैं। नंबर एट, उर्वशी रौतेला। दोस्तों आपको बता दें कि मिस डीवा 2015 की विजेता उर्वशी रौतेला भी बॉलीवुड की सबसे सेक्सी एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने हनी सिंह के फेमस ट्रैक लव डोज से पॉपुलैरिटी हासिल की। हालांकि इन्होंने अपने शुरुआती दिनों से ही मॉडलिंग में रुचि रखी और मिस टीन इंडिया 2009 सहित विभिन्न शोज में हिस्सा लिया। 1994 में जन्मी भारतीय सुंदरी 2020 में अरब फैशन वीक में रैंप वॉक करने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। इतना ही नहीं, ये बॉलीवुड की सबसे सेक्सी एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इन्होंने कई फिल्मों में बोल्ड और सेक्सी सीन्स दिए हैं और इनके लिए किसिंग सीन्स तो मानो एक अहम बात है। इनके नैन और नक्श का हर कोई कायल है जिसके चलते बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स में भी अपने हुस्न का जादू बिखेरती देखे जाते हैं। नंबर नाइन, शर्लिन चोपड़ा।
दोस्तों शर्लिन चोपड़ा बॉलीवुड की बोल्ड अदाकाराओं में से एक हैं, जो अक्सर अपनी अदाओं से फैंस को कायल करते रहते हैं। उन्होंने बॉलीवुड के कुछ फिल्मों और वेब सीरीज में अपने जलवे दिखाए हैं, जिसके चलते वो हमेशा सुर्खियों में बनी ही रहते हैं। लेकिन अगर बात करें कि उन्हें सबसे पहले किस मूवी से पॉपुलैरिटी हासिल हुई, तो वो मूवी थी कामसूत्र 3D, जिसमें उन्होंने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी थी और वो रातों रात फेमस हो गए थे। नंबर 10, पूनम पांडे। दोस्तों आपको बताने कि बॉलीवुड की दुनिया में फिल्म नशा से कदम रखने वाली एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे आए दिन इंटरनेट पे अपनी हॉट तस्वीरों से फैंस के बीच तहलका मचाते रहते हैं। पूनम जैसे ही कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर करती हैं, वो तुरंत वायरल होना शुरू हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि पूनम अपनी अदाओं के चलते फैंस के बीच सुर्खियों में बनी रहती हैं, जिसका अंदाजा आप स्क्रीन पे आ रही तस्वीरों से ही लगा सकते हैं। दोस्तों पूनम पांडे अब धीरे धीरे उस रास्ते पे निकल चुके हैं जो कि उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस बनने की राह पर ले जा रहा है, क्योंकि आज उनके इंटरनेट पे इतने अडल्ट वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें वो सारी हदों को तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों आज के समय में वो एक बोल्ड एक्ट्रेस कम और अपकमिंग अडल्ट स्टार ज्यादा प्रतीत होते हैं। नंबर 11, विद्या बालन। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर एक्ट्रेस विद्या बालन अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। विद्या ने कई अलग अलग फिल्मों में अनोखे किरदार प्ले किए हैं। वहीं विद्या अपनी इस खासियत के लिए भी जानी जाती हैं कि उन्होंने कभी भी किसी फिल्म के लिए अपना वजन बढ़ाया या घटाया नहीं है। विद्या बालन की खूबसूरती और कातिलाना अदाएं देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। इस तस्वीर को देखने के बाद उनके फैंस को विद्या से और भी प्यार हो जाएगा। इन्होंने भी फिल्मों में कई हॉट सीन्स दिए हैं, जैसे द डर्टी पिक्चर और इश्किया। नंबर 12, कंगना रनावत। दोस्तों आपको बता दें बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत अपनी फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पे भी खूब एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पे कंगना रनावत की बेबाक बयानी के साथ ही उनकी तस्वीरें और वीडियोस भी खूब पसंद किए जाते हैं। कंगना की इंस्टाग्राम पे कई सुपर ग्लैमरस तस्वीरें मौजूद हैं, जिनको देखकर अच्छे से अच्छा इंसान भी उनकी बोल्डनेस का ख्याल हो जाए। इतना ही नहीं, आपको बता दें साल 2006 में आई फिल्म गैंगस्टर में कंगना रनावत ने इमरान हाशमी के साथ एक बोल्ड सीन दिया था। ये असल में एक लव मेकिंग सीन था। फिर इसी साल 2006 में ही एक और फिल्म वो लम्हे में कंगना रनावत ने शाइनी आहूजा के साथ भी कई बोल्ड और लव मेकिंग सीन्स दिए थे। साल 2009 में आई फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज में भी कंगना ने शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ किसिंग सीन किया था। इसके अलावा भी इन्होंने कई मूवीज में बोल्ड सीन्स दिए, जिसके चलते इनकी गिनती बॉलीवुड के बोल्ड एक्ट्रेसेस में की जाती है। नंबर 13, कियारा आडवाणी। दोस्तों आपको बता दें कि एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देने वाली यंग एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को आजकल बॉलीवुड की टॉप 10 मोस्ट सेक्सी एक्ट्रेसेस में गिना जाता है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म फगली की रिलीज से पहले सलमान खान द्वारा सुझाए गए अपने जन्म के नाम आलिया आडवाणी को कियारा आडवाणी में बदल दिया। कियारा ने हाल के समय में कुछ सफल बॉलीवुड फिल्में दी हैं, जिनमें लव स्टोरीज, एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, इंदु की जवानी, गुड न्यूज और कबीर सिंह जैसी फिल्में शामिल हैं, जिसमें से उनकी फिल्म लस्ट स्टोरीज में उनके बोल्ड सीन्स को कुछ ज्यादा ही सुर्खियां मिले थे, जिसकी वजह से इनको उस समय काफी फेम भी मिला था। आज के समय में उनके पास अट्रैक्टिव फिगर और खूबसूरत चेहरे के साथ दमदार एक्टिंग स्किल्स भी हैं, तो निश्चित रूप से वो भारतीय सिनेमा की उभरती हुई सितारा हैं, जो आने वाले दिनों में बॉलीवुड की एक नामी एक्ट्रेस बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी एक्ट्रेस सबसे ज्यादा बोल्ड है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।